अपने सुनने और देखने वालों को मुबशर नकवी का सलाम। आपका होस्ट मुबशर नकवी आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो ख्वाब हमने आपको दिखाए हैं पिछले दिनों में, कि ख्वाब जागती आंखों से ख्वाब देखने वाला बंदा कामयाब तरीन शख्स है, उन ख्वाबों को पूरा कैसे करना है। आज वो दिन है जिस दिन हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने अपने अंदर वो क्या चीजें तब्दील करनी है जिनकी वजह से आप एक अपने ख्वाबों को पूरा करने वाले बेहतरीन शख्स बन जाते हैं। आज हम आपको वो पॉइंट्स बताएंगे, वो जादू की छड़ी चलाना सिखाएंगे जिससे आपके ख्वाब पूरे होते हैं। आज हम खुल जा सिम सिम करके दिखाएंगे कि आपके ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे चंद ही चीजें तब्दीली करने से आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है, आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं आप। ओके गाइस, इससे पहले कि हम अपनी ये स्पीच स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस, स्टार्ट द स्पीच। दोस्तों, ये कुछ चीजें आपकी बॉडी के अंदर, अगर कुछ चीजें अपने एटीट्यूड अपने बिहेवियर में तब्दीली ले आए तो आप अपने ख्वाबों को अचीव कर सकते हैं। आप वो खुशनसीब शख्स हो सकते हैं जिसने अपने ख्वाबों को पाया, जिसने अपनी मंजिल को पाया, जिसने अपने टारगेट्स को पाया। ये कुछ चीजें जो आप में तब्दीली आए तो मजा आ जाएगा आपको। ये कुछ चीजें जिसको आप अपने अंदर ले आए तो आप में आप कामयाब तरीन शख्स हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नोट, स्टे ट्यून्ड विद मी। सबसे पहला पॉइंट, टेक एक्शन। आप जब किसी भी चीज का प्लान कर लेते हैं, कोई ख्वाब देख लेते हैं कि मैंने इस ख्वाब को पहुंचना, याद रखें ख्वाब होता ही वो है जो आपकी पहुंच से दूर हो, जो आपकी नॉर्मल कैजुअल लाइफ से बहुत आगे हो। उस चीज को पूरा करना तो खुशी की बात है ना, उसको पूरा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो याद रखें सबसे पहला गुर है कि टेक एक्शन। आप लोगों ने एक्शन लेना है। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने ये काम करना है तो फिर ये नहीं करना कि बस ये सोच लिया तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक्शन लेना है, ये पहला गुर है। दूसरा गुर है कि आपने कुर्बानी देनी है, अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लें कि आपको किसी भी वक्त किसी भी चीज की कुर्बानी देनी है। तो वो लाइन आपने ड्रा करनी है कि आपने किस किस चीज की कुर्बानी देनी है, किस किस चीज की कुर्बानी नहीं देनी, आपने डिसाइड करना है। आपने डिसाइड करना है, आपने डिसाइड करना है कि देखे कोई भी चीज हम ले लें उसका प्राइस टैग होता है। कपड़े लेने चले जाओ, शॉपिंग करने चले जाओ, ग्रॉसरी लेने चले जाओ, कुछ भी लेने चले जाओ, उसका प्राइस टैग होता है। तो जब उसका प्राइस टैग है तो आपके ख्वाबों की जो ताबीर है उसका भी प्राइस टैग है। शाह साहब, आपके जो आप जो कर रहे हैं, आपके जो ख्वाब हैं उनका भी प्राइस टैग है। गाइस, आई मस्ट नॉट बी हाइपर। याद रखें, मैं आज ये स्पीच जो है ये स्पेशली है कि दोस्तों ने बड़ा फोर्स किया, उन्होंने कहा यार जरा कुछ स्टाइल चेंज, जरा हमें कुछ धीमे लहजे में रह के बताएं ताकि हम कुछ लिख लें, नोट डाउन कर लें। तो आप लोग याद रखें, इसके बाद तीसरी चीज जो है वो अपने अंदर मोमेंटम बिल्ड करना है आपने। हर किसी को पता है मोमेंटम क्या है। देखें, मोमेंटम बिल्ड करने का मतलब है कि आप स्टेप बाय स्टेप जैसे जॉगिंग करते हैं, ये आपने अपने अंदर टेम्परामेंट सेव करना है कि लंबी इनिंग खेलने के लिए क्या होता है। टेस्ट मैच खेलने के लिए आप लोगों को 2020 और वनडे आना चाहिए। इसी तरह कह रहा हूं कि जब आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग का हिस्सा है। आप बुनियाद साहब, आप प्लानिंग का हिस्सा है कि आप पहले छोटे गोल रखते हैं, छोटा गोल रखते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, छोटा गोल, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। देन जब आप छोटा गोल कर अचीव कर लेते हैं, आप में हौसला आता है, ताकत आती है, उस ताकत के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं अगर इतना गोल इतनी मेहनत करके आगे बढ़ गया हूं तो इससे ज्यादा इतनी मेहनत करके और आगे बढ़ जाऊंगा मैं।
तो ये मोमेंटम आप कामयाबी 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 ये कामयाबियां समेटेंगे तो फिर आप लंबी विंग खेलेंगे, लंबे टारगेट को अचीव करेंगे। ये चीजें आप अपने अंदर लाएं। उसके बाद आपने पैशनेट रहना है, एनी टाइम यू मस्ट बी पैशनेट। पैशनेट क्या है कि एनी टाइम एनर्जेटिक, यस। वो ये नहीं है कि भाई आपने वो ड्यू पी लिया, ये नहीं है कि आपने वो रेड बुल और इस तरह की चीजें पी ली है। मेरा मतलब यह कि पैशनेट आप एनी टाइम एनर्जेटिक होना चाहिए आपको। क्या है, देखें एनर्जेटिक ऐसा नहीं है, अपने अपने ख्वाब देखे हैं ना आपने, उन ख्वाबों को ख्वाब आपके दिल से निकले ऐसे एक्सट्रैक्ट हुए। जब वो ख्वाब एक्सट्रैक्ट हो रही है ना, तो उसके बाद उन ख्वाबों के पीछे भागना है आपने। जब उन ख्वाबों के पीछे भाग पड़े हैं तो फिर आपने रुकना नहीं है, अपने दिमाग की नहीं सुननी। अगर यहां से कोई नेगेटिव वेव्स आ रही हैं तो उनको फेंको भाई, चल। आपने पॉजिटिवली ऐसे ही करना है। अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए लग जाओ पीछे, याद रखें। उसके बाद अपनी प्राइड शो करनी है, शो प्राइड अपने आप को ऐसे, आई हैव गिवन माय बेस्ट। जब आप अपना बेस्ट दे लेंगे ना, अपना बेस्ट दे लेंगे, उसके बाद याद रखे सीना तान के कमर ठोक के खड़े हो जाएं, हां जी बेस्ट देता है। उसके बाद साथ ये दुआ रखनी है, अल्लाह ताला उन कर्म करें तो करता है अल्लाह कर्म। अपना डू योर बेस्ट देन प्रे, तो वो आपको रिजल्ट मिलता है। ये आपको गुरु बता रहा हूं, बड़े गुरु हैं, 5-6 गुरु, और जितना जितना टाइम मिलेगा उतने गुरु बता दूंगा। जहां टाइम आप लोगों की बस होगी मेरी, मैं उसी वक्त वहीं पर स्टॉप कर दूंगा। उसके बाद याद रखें अडॉप्ट एन एटीट्यूड। एटीट्यूड के ऊपर मेरा एक पूरा प्रोग्राम है, सीरीज प्रोग्राम चलेंगे एटीट्यूड के ऊपर। ये एटीट्यूड जो है ना, यही बंदे, ये बंदे की पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरा पूरा कैनवस ही बदल देता है बंदे का। अडॉप्ट एन एटीट्यूड, एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आप एग्रेसिव हो जाते हो। जब आप दूसरे एटीट्यूड के साथ होते, आराम से बैठो आराम से बैठो, जब आप एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ होते आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। जब आप किसी और अपना लो टेम्परामेंट और लीनियंट चल रहे होते हो ना, तब आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा यार, ऐसे है कि नहीं है। तो ये आपने अपने अंदर एनर्जी रखनी है, एटीट्यूड आपने बदलना है। अपनी सराउंडिंग में इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग में इर्द गिर्द, सज्जे खब्बे आगे पीछे, जहां आपने वर्किंग करनी है, जहां आपने उठना बैठना रिलैक्स करना है, एट द टाइम ऑफ रिलैक्स, वो टाइम जो आप क्वालिटी ऑफ टाइम आप रिलैक्स करते हैं, उसमें भी सराउंडिंग में पॉजिटिव लोगों को शामिल करें जो आपको पॉजिटिव बातें बताएं, ठीक है। उसके बाद आपने एनी टाइम एवरी टाइम आपने करजियस रहना है, बी करजियस, हौसला नहीं हारना। जो ख्वाब आपने देख लिए हैं ना, उन ख्वाबों की ताबीर है, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर लेगा, जब कोई दूसरा कर लेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। अपने ख्वाबों की ताबीर के पीछे भागना है आपने, सीना तान के भागना है। ख्वाबों में हार्ड वर्किंग होनी है, उस हार्ड वर्किंग से डरना नहीं है, सरेंडर नहीं करना, डट के खड़े हो जाने आगे। जब आप डट के खड़े हो जाएंगे ना, तो आप कामयाब होंगे। अली साहब, उमर साहब, आप डट के खड़े हो जाने आपने, जब आप डट के खड़े हो जाएंगे ना, तो आप कामयाबी कामयाब हैं, याद रखें मेरी बात। मेक अ गुड चॉइसेस, आपने चॉइसेस अच्छी रखनी है अपने टारगेट को हासिल करने के लिए। अपना वो जो प्लानिंग है ना, शॉर्ट टर्म वर्किंग है, वो ऐसी रखनी है कि ये काम कर लूंगा अपने टारगेट के और करीब हो जाऊंगा, ये काम कर लूंगा और करीब हो जाऊंगा, ये काम कर लूंगा और करीब हो जाऊंगा। मैं आपके करीब इसलिए आ रहा हूं कि वो मैं भी तो करीब ही आ रहा हूं ना आपके टारगेट के। तो अच्छा ये है कि जैसे जैसे कुछ चीजें ऐसी, ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसी कुछ प्लानिंग नहीं करनी जिससे आप अपनी टारगेट से थोड़ा सा भी दूर हो जाएं। ये चीजें आपने अपने अंदर तब्दीली लानी है। उसके बाद याद रखें स्टे कॉन्फिडेंट, अपने आप में आपने यकीन के साथ रहना है, अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। उसके बाद एक और पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं कि जब कभी आप लोगों को ये फील हो ना कि भाई ये काम जो है ये मैं अगर करूंगा तो मैं अपने टारगेट से दूर हो जाऊंगा, तो वो काम नहीं करना आपने। ये कोई राज की बात नहीं है, नहीं करना हर वो काम जो आपको आपके टारगेट से दूर ले जाए, आपने उसको नहीं करना। उसके बाद आपने स्ट्रांग माइंडेड रहना है,
स्ट्रॉन्ग माइंडेड का मतलब यह है कि आपने जो फैसला कर लिया उस पर डट जाना है। कायदे आजम ने ख्वाब देखा था ना, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, ड्रीम ऑफ पाकिस्तान हैज बीन गिवन बाय कायदे अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल ने देखा था। उसके बाद उसके ऊपर डट गए अल्लामा कायदे आजम, डट गए, हार्ड वर्किंग की जो किया अलग अलग उसके ऊपर एक अलग लेक्चर आएंगे, लेकिन डट गए। आपने स्ट्रॉन्ग माइंडेड कहना है, जो कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, पैशनेट रहना है, जो पूरे पैशन के साथ काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहना, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ काम करेंगे, एक्शन लेना पड़ा लेंगे, एटीट्यूड अगर जैसा भी करना पड़ा करेंगे। अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए ये गुर सीख लो, कोई मुश्किल नहीं है, ये ऑलरेडी आप में है, सिर्फ निखार पैदा करना है। सोने को सिर्फ पॉलिश करें, बनाता कौन है सोना यार, बनी बनाई कानों से उठा के पॉलिश कर लेते हैं। आप बने बनाए सोने अल्लाह की अशरफुल मखलूकात हैं, सिर्फ पॉलिश पॉलिश होंगे तो आप कामयाब शख्स हैं। एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है, एक्सरसाइज आपके दिमाग को भी फिट रखेगी, बॉडी को भी फिट रखेगी। लेकिन यहां पे मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, जिम शिम ना भज जाना, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हर चीज जो भी आपने एक्शन करना है टारगेट ख्वाबों को पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना हुआ है बुजुर्गों से, जब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसके ऊपर आपने अमल करना है कि हर वो चीज जो आपने करनी है उसकी पहले प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अपने ख्वाबों को हासिल करना है तो याद रखें उसके लिए आपको क्लेवर होना पड़ेगा, बट पॉजिटिव क्लेवर, नेगेटिव क्लेवर नहीं। पॉजिटिव क्लेवर क्या होता है आप गौर से सुन लें, पॉजिटिव क्लेवर का मतलब यह है कि आपने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को आपने पूरा करना है। जब आप अपना ख्वाब देखेंगे ना, उसको पूरा करने के लिए आपको पता है, जब आप सोच रहे हैं देख रहे हैं टारगेट की तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि कौन सी चीज मेरी रुकावट बनेगी, उस रुकावट को फौरन से आपने साइडलाइन कर देना है। अपने ख्वाबों के लिए क्लेवर रहना है, हर वो चीज जो हर्डल आपके ख्वाबों में आएगी आपने उसको साइडलाइन कर देना है, जितने बैरियर होंगे हटा देना है कि अपने ख्वाबों की तबीर हासिल करनी है। जब आप अपने ख्वाबों को देखेंगे तो आप कामयाब होंगे। स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स, याद रखें, लगता है आपकी बस हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, स्टे द कोर्स याद रखें। आप लोगों ने देखा कोर्स, एक साल का कोर्स होता है, वो कोर्स जब बंदे करते हैं ना, एक कोर्स होता है ना, 3 माह बाद पेपर, 3 माह बाद पेपर, फिर 3 माह बाद फिर एनुअल पेपर, वो साल का कोर्स है। याद रखें ये ख्वाबों की ताबीर, ये कामयाबी, ये अचीवमेंट, ये समर जो हासिल होगा आपको, ये जो कामयाबियां मिलेंगी, जो आप अचीवमेंट हासिल करेंगे, इन सबकी कोई कॉस्ट के साथ साथ याद रखें एक कोर्स जदे मुसलसल होती है, मुसलसल मेहनत होती है। जब आप मुसलसल मेहनत करते हैं ना तभी आप स्मार्ट होते हैं, जब आप स्मार्ट होंगे तो आप अचीवर होंगे। मतलब ये है कि आपने अपनी इन सारी चीजों को जद मुसलसल की तरह काम करना है। उसके बाद याद रखें जब आपको कामयाबी मिल गई इन चीजों के बाद, आपने अचीव भी कर लिया, आपने टारगेट भी हासिल कर लिया, आपने ख्वाबों की ताबीर भी ले ली, सब कुछ आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मिल गया, तो याद रखें उसके बाद अगर इस कामयाबी को समेटना है ना तो याद रखें बी हम्बल। यस सर, ओके जी, जी जजाकल्ला, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, ऐसे हम्बल, डाउन टू अर्थ। अगर आप ऐसे गुरूर में आ गए, हाँ मैं कामयाबी हासिल, तो याद रखें कोई टाइम जल्दी नहीं आएगा कि हाँ बस हो जाएगी, खुश हो जाएगी आप। ओके गाइस, लगता है बस होगी। इससे पहले आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपकी वीडियो जो है, आपके कमेंट्स जो है, ये मेरी मोटिवेशन है। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो। अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।